आंसर की आ चुकी है पेपर वन की, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का। सो शुरू करने से पहले देखते हैं थोड़े व्यूअर्स थोड़े हमसे जुड़ जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर वन मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट। सो पेपर वन का आ चुका है हमारे पास एंड या वी गॉट दिस। सो क्वेश्चन नंबर वन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर वन, और पूरे आंसर सारे आंसर की के साथ है, हमारे सारे आंसर हमने कंफर्म कर लिए हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से है। सो लेट वेट फॉर वन मिनट एंड देन विल स्टार्ट आर आंसर की। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा इकोनॉमिक्स से। तो इसमें बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रखी है हमें, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी कीप इट ब्लू। हाँ, तो स्टेटमेंट दे रखी है हमारी, तीन स्टेटमेंट दे रखी है। गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक RBI इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा है, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू द डायरेक्शन टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या थोड़ा इसकी विड्थ कम कर देते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट रखी है, RBI गवर्नमेंट ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट। सो ये तीन स्टेटमेंट रखी है, ठीक है। पहला तो है, RBI में जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दूसरा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली RBI को चलाती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। एंड तीसरी स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट। तो जो गवर्नर है RBI का, वो अपनी पावर को, मतलब पावर अपनी हटा सकता है RBI एक्ट से। तो ये तीन स्टेटमेंट है, और इसमें यहाँ ऑप्शन दे रखे है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। सो विच ऑफ दी अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो तीन ऑफ चार ऑप्शन है इसमें, वन एंड टू ओनली करेक्ट है, या टू एंड थ्री ओनली करेक्ट है, या वन एंड थ्री ओनली करेक्ट है, या तीनों करेक्ट है। तो इसका आंसर है हमारा डी, ठीक है। तो तीन ही जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, विद रिफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ फिर स्टेटमेंट दे रखी है। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है हमारी, ऑल द कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंटल फंड टैक कवरेज। सेकंड है हमारी, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर द रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। एंड जो थर्ड है वो दे रखी है हमारी, द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट द एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यहाँ भी ऑप्शन गाइस डी होगा, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो सेकंड का डी है, रिमेंबर दैट। अब नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट likely to be taken at the time of an economic recession. So कौन से steps लिए जाते हैं economic recession के दौरान? So यहाँ चार option हैं। So cut in tax rates accompanied by the increase in interest rate, और दूसरा है increase in expenditure on public projects, तीसरा option है इसमें increase in tax rates accompanied by the reduction of the interest rate, and fourth option है reduction of the expenditure on a public projects. So guys, इसका option हमारा होगा B, यानी कि increase in expenditure on public projects, यानी कि जो economic recession के दौरान ये वाले decision लिए जाते हैं, यानी कि खर्चा बढ़ा जाता है public projects के ऊपर, ठीक है। अब आता है हमारा fourth question। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, ठीक है। सो इसमें बताना है कि अगर मार्केट डिमांड बढ़ती है किसी गुड के लिए तो क्या इंक्रीज होगा? तो प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज,
क्या जो इसका जो सब्सिट्यूट होगा उसका प्राइस इंक्रीज होगा, तो इसका ऑप्शन आ गाइस हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे है ना, फिफ्थ है ना, हाँ फिफ्थ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रूथ। अच्छा, यहाँ चार स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो इसमें से जो वन एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, ये वाली एंड ये वाली, तो यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें वन होगा, ए होगा। ठीक है, ये फोर्थ ही क्वेश्चन था। अब आते हैं हम इसमें फिफ्थ क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर सुपरवाइज रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेटमेंट स्टेट गवर्नमेंट। सो विद रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट दे रखी है अगेन, इसमें से बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो इसमें से दो स्टेटमेंट ट्रू है, दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड कौन सी दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, दे वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 थ्रू द अमेंडमेंट इन 1966। तो इसमें से दो स्टेटमेंट ट्रू है, वन एंड थ्री, तो इसलिए अच्छा तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके लिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जो जिस बंदे ने अटैम्प्ट किया उसने दो 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 ऑप्शन को देखा था। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ तीन स्टेटमेंट दे रखी है अगेन। एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इसमें। जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सेकंड होगा, यानी कि ऑप्शन टू इज ओनली ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन पे। अगेन स्टेटमेंट दे रखी है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, एंड तीसरा दे रखा हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड फोर्थ दे रखा है हमारा नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। तो यहाँ चार स्टेटमेंट दे रखी है, तो विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो इसका ऑप्शन ओनली थ्री है, यानी कि इसमें बस हम यही वाली जो ये वाली स्टेटमेंट है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको इंक्लूड करेंगे अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, थ्री ओनली, ऑप्शन थ्री ओनली। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट पे। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ द डिवेल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, सो यहाँ तीन स्टेटमेंट दे रखी है, इम्प्रूव द कॉम्पिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरन मार्केट, दूसरी दे रखा इंक्रीज द फॉरन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, एंड तीसरा दे रखा हमारा इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सो इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इम्प्रूव द कॉम्पिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरन मार्केट, ये हमारी करेक्ट होगी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन वन इज ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग effect of the creation of the black money in India has been main cause of worry to the government of India. तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ी चिंता का विषय है इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ब्लैक मनी जो इससे बनती है हमारी। ठीक है, तो पहला है हमारा ऑप्शन दे रखी, यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट की ऑप्शन ही दे रखी है तो हमारी, तो डाइवर्शन ऑफ द रिसोर्स टू द परचेस ऑफ आर रियल इस्टेट एंड द इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, यानी कि जो पैसा होता है अगर उसे रियल इस्टेट में खर्च किया जाए या फिर लग्जरी हाउसिंग में यानी खरीदने में खर्च किया जाए लग्जरी हाउस, तो क्या उससे ब्लैक मनी मतलब छिप जाती है या वाइट हो जाती है, ब्लैक से वाइट हो जाता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी एंड गोल्ड एक्सेट्रा,
ठीक है, और तीसरा है लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिक पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ द रीजनलिज्म, यानी कि बड़ी बड़ी पार्टी को दे दो, पॉलिटिक्स पार्टी को दे दो ब्लैक मनी और वो वाइट में हो जाएगी कन्वर्ट। तो यहाँ आता है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू द टैक्स इन्वेशन। सो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, ठीक है, जो सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है। और ये देखो देखो गाइस, इसमें ऑप्शन भी ये थोड़ा ऑड दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो सारी में क्या है, थोड़ा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग लग रहा है, थोड़ा ऑप्शन अलग लग रहा है। जो ऑप्शन ऑड लगता है ना, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली गो फॉर द ऑड ऑप्शन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स एफेक्ट्स। यार फंबल मार गया मैं भी। सो इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, एंड इसका ऑप्शन होगा गाइस हमारा डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस एंड बजट डेफिसिट। ठीक है, अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। 100 क्वेश्चन है टोटल, एंड मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी, तो मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो किसके साथ इंक्रीज होता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे यहाँ, तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट। इसमें किसके साथ इंक्रीज होता है मनी मल्टीप्लायर, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ अ पीपल। ठीक है, यानी कि जितने लोग बैंकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, यानी कि जितना बैंक यूज़ करेंगे उतना डेफिनेटली हमारी जो मनी मल्टीप्लायर है इकनॉमी में वो इंक्रीज होगा। डेफिनेटली ये सही ऑप्शन है। और यहाँ दे रखा है हमारा, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड फुल इन्फ्लेशन, सो कहाँ थे हम, हाँ विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमिक डिमांड फुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यानी कि यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज हो सकता है। यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिस्कल स्टिमुलस एंड इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेक्स, हायर परचेसिंग पावर एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो कौन कौन से ऑप्शन है इसमें हमारे, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा, अच्छा 1, 2 and 4 ओनली करेक्ट है इसमें, 1, 2 and 4। तो इससे हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ इसका यानी कि ऑप्शन इसमें ए होगा, ऑप्शन 1, 2 and 4 इज करेक्ट। सो रेफरेंस टू द इंडियन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ तीन स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। 13 क्वेश्चन है, तो इसमें से इसका ऑप्शन नहीं लगाया है, अच्छा तो इसका आंसर नहीं बताया अभी तक। ऑलमोस्ट सबके आंसर पता है, इसमें नहीं बता रखा। फिर आते हैं गाइस 14th पे, ठीक है, लेट्स स्किप दैट क्वेश्चन। एंड विद रिफरेंस टू द वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट रखी है, तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 1 and 3 का ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन, 14th and 15th क्वेश्चन। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यूजली रेफर टू द फॉलोइंग, यूजली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ तीन ऑप्शन रखे हैं, तो इसमें से ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 and 3 है वो करेक्ट है, प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी टू द बैंक, हैविंग द टेम्पररी क्राइसिस, लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। सो यहाँ हमारा दो ऑप्शन सही है, 2 and 3, यानी कि सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब आता है हमारा, R2 कोर्स ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है हमारा। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंसीडर टूल अवेलेबल फॉर
तो ये टूल है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये किसके लिए अवेलेबल होता है, किस चीज़ की अडॉप्ट प्रमोटिंग करने के लिए अवेलेबल होता है। सो यहाँ ऑप्शन दे रखा है हमारा एनवायरमेंटल असेसमेंट इन द एक्सप्लोटेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, लेट्स मूव टू द 617th क्वेश्चन। व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। तो यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसका ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट है। तो यहाँ तीन रीजन दे रखे हैं, दे मे रिलीज अ लीथल क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड थर्ड, दे मे रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। ओके, सो ये तीनों ही ऑप्शन वैलिड है, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा, 1 and 2, 3, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन इसके लिए वैलिड है, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसमें। विच ऑफ द फर्नेस ऑयल विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, इट्स यूज कॉज सल्फर एमिशन इन टू द एनवायरमेंट। तो यानी कि इसके तीन ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन फर्नेस ऑयल के रेफरेंस पे कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा। अब आता है हमारा व्हाट इज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है, तो कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशन एंड द कोस्टल इकोसिस्टम, इसका ऑप्शन ए होगा हमारा। फिर आता है 20 पे, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी बाउंड फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विद सॉइल, तो इसका ऑप्शन है गाइस हमारा, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें बता रखा है इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो विदाउट सॉइल मिट्टी के बिना सर्वाइव कर सकती है सरफेस पे। तो यहाँ दो, तो इसमें दे रखा है चार ऑप्शन, तो इसमें से लीचेन एंड मोस होगा जो सर्वाइव कर सकता है, तो यानी कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट्स। सो यानी कि जो मॉस्किटो मारने वाला होता है उसे हम किस में यूज़ कर सकते हैं, और लेमन ग्रास, एलिफेंट ग्रास, कॉन्ग्रेंस ग्रास एंड नट ग्रास। तो इनमें से चार ऑप्शन हैं, इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, लेमन ग्रास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो मारने वाली जो दवाई बनाई जाती है नेचुरल, तो उसमें हम लेमन ग्रास यूज़ कर सकते हैं, लेमन ग्रास में। एंड कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तो चार काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, तो इसमें बताना है विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशंस। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है अगर हम ओशन की फूड चेन की बात करें, तो इसमें होगा हमारा डाई एटम्स एंड फोरा मिनीफेरा। तो यहाँ दो ऑप्शन हैं 3 and 4, यानी कि दो ऑप्शन हमारे जो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। फिर आते हैं हम, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, हेजॉग, मैमोथ, पेंगोलिन। इसमें बताना, टू रिड्यूस द चेन चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स, विच ऑफ द अबव रोल अप एंड प्रोटेक्ट इट्स वल्नरेबल पार्ट। तो कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो रोल अप करके अपने पार्ट्स को, वल्नरेबल पार्ट्स होता है उसे बचाता है, तो ऑप्शन 1 and 3, यानी कि हेजॉग एंड पेंगोलिन होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा। फिर आता है हमारा, विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट है, उसकी रेफरेंस में जो स्टेटमेंट दे रखी है, बताना कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ गाइस हमारी स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा, ठीक है। यहाँ 1, 2 और 4 दे रखा है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है,
वन टू सेकेंड स्टेटमेंट टू है एंड फोर्थ, ठीक है. सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वी हैव टू फिनिश इट फास्ट. मैग्नेटाइट पार्टिकल्स एंड सब्जेक्टेड टू कॉज आर न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज द एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, सो यहाँ हमें अगेन स्टेटमेंट दे रखी है, ये वाले स्टेटमेंट्स एंड ब्रेक. सो इसमें से कौन सा पाँचों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, यू हैव टू गो फॉर इट. एंड जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर ऑयस्टर. In case of which one of the following biogeochemical cycles the weathering of rocks in the main course source of the release of nutrients to enter the cycle. So iska option hai hamara nitrogen cycle. Fir aata hamara which of the following are detritivores. Detritivores isme kaun sa hai, to yani ki yahan char option de rakhe hai. तो इसका होगा हमारा 1, 2, 4 अर्थवर्म, जेलीफिश एंड सी हॉर्स, यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा. ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. ओहो, हाँ, द कॉमन कार्बन मैट्रिक, अ कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय द UNEP हैज बीन डेवलप्ड फॉर. तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आया है कि जो UNEP होता है वो डेवलप किया गया है फॉर एक्सेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द वर्ल्ड इन द यूनिट टाइम. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें आता है हमारा तीन ऑप्शन का स्टेटमेंट वो दे रखे हैं ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें बताना है कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो तीनों ऑर्गेनिजम्स होंगे, निडेरियंस, फंगी एंड प्रोटोजोआ. दोनों ही तीनों ही होंगे हमारे करेक्ट, तो यानी कि ऑप्शन डी. विद रेफरेंस टू द चौथा डियोगनी टेम्पल सिचुएटेड नियर द मोरेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है एंड यहाँ हमारी स्टेटमेंट 1 और 4 करेक्ट होगी. ठीक है, तो ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर क्या है 31 के लिए, ऑप्शन सी. ठीक है, तो 31 के लिए ऑप्शन सी आपको बस कंफर्म करना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं. तो ऑप्शन गाइस इसका ए होगा. ठीक है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. एंड नाउ 33 का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, 3 ओनली. ठीक है, फिर आते हैं हम आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 का दे रखा है गाइस यहाँ, और इसका अभी आंसर हमें पता नहीं है. अभी कंफर्म करके आई विल अपडेट यू. तो यहाँ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है जो कि आई थिंक मार्क नहीं किए हुए है. हम मूव करते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो 42 क्वेश्चंस में है गाइस. जो क्वेश्चन दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ तीन दो स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी करेक्ट बस बोलना है. तो दोनों स्टेटमेंट से कोई सी भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. 42 में गाइज हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए. द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द AICCC. फाइन, लेट्स मूव टू द 44th क्वेश्चन. तो विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन. ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश. सो ये आएगा सरोजनी नायडू. ठीक है, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन. तो ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं. 45th का है गाइस ऑप्शन डी, मार्केट नाउ. ऑप्शन डी है.
46 का है हमारा ऑप्शन सी, एंड 47 का है हमारा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह, नवाज खान, प्रेम कुमार, सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, सो काफ़ी टफ क्वेश्चंस है, डेफिनेटली टफर है कंपेयर टू प्रीवियस वन। एंड विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, सो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, इसका भी आंसर अननोन मतलब मार्क नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, सो यहाँ तक 15th क्वेश्चन एंड इसमें यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें से स्टेटमेंट सेकेंड ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। यहाँ 51th क्वेश्चन है गाइज, ठीक है, और इसमें से ऑप्शन बी है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, 52 तो आते हैं 52 वाले पे। तो यहाँ तीन स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास और तीनों ही करेक्ट है 52 में, तो यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। फिर आते हैं हम 53 क्वेश्चन पे, और यहाँ इसमें ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो मार्क कर लेना ऑप्शन सी है कंफर्म करने के लिए। एंड विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कुशामन, सारगोल, काटू आर द नेम्स ऑफ रामसर साइट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, इसमें बताना है विच ऑफ द रिवर्स राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर्स उठती है, सो ईस्टर्न घाट से, तो यहाँ ऑप्शन हमारा इसका दे ही नहीं रखा, कौन सा करेक्ट होगा। एंड 56 में गाइस हमारे यहाँ तीन स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें से दो स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा बी। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, तो सबसे कम पानी किसको चाहिए होता है, तो शुगर कैन इसका ऑप्शन है। फिर आता हमारा 58th क्वेश्चन, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। ठीक है, जो दो स्टेटमेंट दे रखी है ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन के बारे में। फिर आता हमारा 59th क्वेश्चन, यहाँ हमारे अगेन स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसका ऑप्शन नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि ढूंढने में गाइस बहुत टाइम लगा है, तो जो होगा हो पाया वही कर पाए हम। ठीक है, 16th क्वेश्चन में गाइस, यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, सो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आता है वेजिटेशन ऑफ द सवाना कंसिस्ट ऑफ अ ग्रास लैंड विद द स्केटेड स्मॉल ट्रीज, तो इसका ऑप्शन दे रखा है, यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है 4-5, तो इसमें से ऑप्शन होगा हमारा 4th और 5th, यानी कि बी ऑप्शन होगा, सीजनल एंड रेनफॉल सॉइल प्रॉपर्टीज़, ये ऑप्शन होंगे इसके करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, 61th का। फिर आता है हमारा 62nd क्वेश्चन, एंड इसमें गाइस दो स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, सेकंड वाली द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द वाटर ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन बी सेकंड ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर आती है हमारी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन होगा 1, 2 और 4 आर करेक्ट, एंड 5 एंड करेक्ट। ठीक है, तो 63rd का क्वेश्चन है गाइस, एंड इसमें हमारा ई करेक्ट है। ठीक है, ये वाला मार्केट नाउ।
एंड द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदर ऑफ ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी है 64th का. रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स, यहाँ तीन दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ऑप्शन वाला वन करेक्ट है, ठीक है. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी कि स्टेटमेंट वन इज ओनली करेक्ट. फिर आता है 66th क्वेश्चन. इसमें गाइस हमारी दो स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, जस्ट कन्फर्म इट एंड लेट मूव ऑन. एंड उसके बाद आता है हमारा बॉल गार्ड एंड बॉल गार्ड सेकेंड टेक्नोलॉजी आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स. इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 67th का. फिर आता है हमारा 68th. इन द प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड मेनली अपॉन द फॉलोइंग, मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, एरिया ऑफ द होल इन द लीड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम्स एंड वेट ऑफ द लीड. तीनों ही ऑप्शन इसका गाइस करेक्ट है, तीनों पे डिपेंड करता है हमारा खाने पकना, ठीक है. फिर आता है हमारा यहाँ कंडक्ट द फॉलोइंग, यहाँ तीनों को कंसिडर करना है, विच ऑफ द फॉलो अबव कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम. तो इसका तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी. लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वायरसेस हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA जीनोम, वेयर एज द रेट्रोवायरस हैव डबल स्टैंडर्ड DNA जीनोम. तो यहाँ ऑप्शन इसमें करेक्ट और स्टेटमेंट हमारी सेकंड करेक्ट होगी. कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय द एडिनोवायरस एंड वेयर द एड इज कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस, ठीक है. तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है हमारा, ठीक है. 71th आ गए हम, अब 30 क्वेश्चन लेफ्ट है. सो ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट होगा. वाटर कैन बी डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज ऑक्साइड ऑफ द हाइड्रोजन. फिर आता है हमारा, क्योंकि गाइस ऑक्साइड क्या होता है, ज़्यादा चीज़ों को अब्सॉर्ब करने में अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और वो किसी के साथ किसी की भी चीज़ को घुलने में मदद करता है ऑक्साइड, डेफिनेटली. एंड विद रेफरेंस टू द स्ट्रीट लाइट, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम द LED लैम्प्स. सो इसका है, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन द LED लैम्प. लाइफ टाइम ज़्यादा होता है उसका सोडियम लैम्प का. तो यहाँ तीन स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों ट्रू है, ठीक है. सो यानी कि ऑप्शन डी. द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जो ACE2 होता है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, द रेडियो कॉलर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, ऑप्शन सी. लेट्स मूव 74th क्वेश्चन. द बायोफिनल BPA अ कोर्स ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चर की कॉम्पोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ अ प्लास्टिक. तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो ये इस प्लास्टिक में बनाने में यूज होता है. फिर आता है हमारा 75th क्वेश्चन. सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन है शायद ये सारे. एंड द ट्राइक्लोसन कंसिडर हार्मफुल वैन एक्सपोज टू द हाई लेवल ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोर मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग. सो किसमें होता है प्रेजेंट, तो ये होता है हमारा रीयूज प्लास्टिक कंटेनर. ओके, तो ऑप्शन सी होगा हमारा. लेट्स मूव. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर्स. तो इसका ऑप्शन है डी, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, इसलिए इसे इसमें यूज किया जाता है, ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहती है, तो उसे एक ऐसा जैसे वाट होता है हमारा वेट मेजर करने के लिए, तो ऐसे यूज कर सकते हैं इसे. सो वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री. तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो इसमें से हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा हमारा. कौन सा क्वेश्चन था 78th पे आते हैं हम. यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखी है, इसका आंसर नहीं मिला है. आते हैं 79th पे.
यहाँ से रखा है राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो राइट टू प्रिवेसी आता है हमारा आर्टिकल 21 में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, यानी कि ए टी क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कॉन्टेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें स्टेटमेंट थ्रू है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। 20 क्वेश्चन इज लेफ्ट। सो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है 3, इसमें से स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, राइट टू द सिटी इज एग्रीड ह्यूमन राइट्स एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन ए। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ 2 दे रखी है हमारी स्टेटमेंट, इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट ओनली। 84th पे आते हैं, यहाँ अगेन यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एट नेशनल लेवल विच ministry is the nodal agency to ensure the effective implementation of the scheduled tribes and the other traditional forest dweller act। So यहाँ आता है हमारा ministry of environment forest and climate changes। ठीक है, फिर आता है यहाँ हमारा 85th question है, इसमें गाइस हमारा article 32 आता है, द लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो ऑप्शन इसका सी होगा।86th क्वेश्चन है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन पॉलिसी is essential feature that indicate it is federal in character। तो यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा हमारा, द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। फिर आता हमारा 87th, इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट को कौन डिफाइन करता है, अच्छा कौन सी स्टेटमेंट है? तो इसमें आया द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड प्रोसेसिंग एन अथॉरिटी टू। तो इसका ऑप्शन बी होगा। विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग, तो यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी। फिर आते हैं हमारे 89th पे। 89th में गाइस हमारे 2-3 स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें से स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट करेक्ट होगी। फिर आते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन में गाइस हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कमिटेड जुडिशरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ द लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन ए। आता है हमारा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ वायलेट्स, तो इसका ऑप्शन डी होगा हमारा। फिर आता हमारा 92 क्वेश्चन, विच इज़ द पोजिशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये पोजिशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो इसका आता है लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली, इसका ऑप्शन ए है। फिर आता हमारा व्हाट वाज एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये आता है हमारा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, फिर आता 94th क्वेश्चन। 94th क्वेश्चन है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसका ऑप्शन डी होगा। फिर आता हमारा
फिफ्थ क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल भी हो वही पर्टेन टू ट्रिबल ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है। फिर आता है 96 क्वेश्चन, इसमें हमारी तीन स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें हमारी स्टेटमेंट होगी सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट। अच्छा करेक्ट नहीं है, तो सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, फाइन। लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यहाँ स्टेटमेंट रखी है 1 एंड 2, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिस्पेक्ट, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है वो एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 98 क्वेश्चन है गाइस, इसमें हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। दो तीन स्टेटमेंट दे रखी है और इनमें से फर्स्ट एंड थर्ड ही करेक्ट होगी। एंड लेट्स मूव टू द 99th क्वेश्चन, एंड इसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। 32nd समर ओलंपिक से रिलेटेड, और इसमें से हमारा बताना है कौन सी करेक्ट है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है। फिर आता हमारा 100th एंड फाइनल क्वेश्चन, जो कि है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर। इसमें बताया है कि दो स्टेटमेंट दे रखी है, इसे हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, दो स्टेटमेंट दे रखी है। जो फाइनलिस्ट होते हैं वो डिसाइड किए गए हैं, जो नंबर वो जीते हुए मैचेस है उस पर डिसाइड किए गए हैं कि वो ज़्यादा मैचेस जीतेंगे तो उन्हें फाइनलिस्ट बनाया जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो न्यूजीलैंड थी उसने ज़्यादा मैच जीते थे, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि वो पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं, मैच जीतने पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि किसी टीम ने ज़्यादा मैच खेले थे किसी टीम ने कम मैच खेले थे, लेकिन नंबर ऑफ विंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो एग्रीगेट पॉइंट्स थे उस पे डिपेंड कर रहा था, वो रेटिंग थी जो उस पे डिपेंड कर रहा था, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें ऑप्शन डी होगा, ठीक है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द पेपर 1, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय बाय।